हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी नई वीडियो में। मैं लाया हूँ जामिया कैलकस जैमिफोलिया, जिसे हम आमतौर पर जीजी प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जीजी प्लांट के दो प्रोडक्शन मेथड्स, एक होता है फास्ट प्रोडक्शन और एक होता है स्लो प्रोडक्शन। इन दोनों मेथड्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जीजी प्लांट के फास्ट प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बुश प्लांट और इसे हम डिवाइड करेंगे। मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ किस तरीके से हम ये पूरा प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ले लेंगे एक बुश जीजी प्लांट और ये हमारा तसला यानी कि घमेला है। हम इसे यहाँ पे नेकेड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस प्लांट को पूरी तरीके से नेकेड कर देंगे और इसकी पूरी मिट्टी निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही डिवाइड किया यहाँ पे ये दो प्लांट्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं। अब हम इसको और डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरे बल्ब्स निकालेंगे। हम अभी अपने घमेले को साइड में रख देते हैं और यहाँ पे अपने प्लांट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये नीचे बल्ब है, अब हम इस बल्ब को तोड़ना चालू करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इस प्लांट के बल्ब को अच्छे से तोड़ देंगे, नहीं तो हम सीजर का सहारा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कटिंग की कैंची है और इसको यहाँ पे बीच में से इस तरीके से हम कट कर देंगे। हमें बल्ब को कट करना है ना कि शूट को, और बल्ब के साथ हमें शूट रखना जरूरी है। यहाँ पे ये दो प्लांट्स हमारे हो गए हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे एक प्लांट से, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक प्लांट से पांच प्लांट हो चुके हैं और ये है हमारा फास्ट प्रोडक्शन। मैं आपको आगे दिखाता हूं कि हम इसे इस तरीके से पॉट में लगाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस प्लांट को रिपॉटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे हमें किस तरीके से रिपॉटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 इंच का ब्लैक पॉट और हमारा जो सॉइल है वो रेड सॉइल है। हम इसे अभी कोई खाद नहीं वापरेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम इतना सा पॉट भर लेंगे और इसमें ये प्लांट को सेंटर में रख के इस तरीके से हम साइड से सॉइल, ये हमारा पहला प्लांट तैयार हो गया है। इस तरीके से हम सभी प्लांट के साथ करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा जो प्लांट है वो रिपॉटिंग हो चुका है। अब हम इसे फिल्टर पानी दे देंगे। हमें फिल्टर पानी इसके लिए देना है क्योंकि जब हम कोई भी प्लांट को रिपॉटिंग करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हमें कटिंग्स को और रिपॉटिंग को हमें फिल्टर पानी ही देना जरूरी है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो फंगस नहीं पकड़ता है। अब हम लेंगे यहाँ पे दूसरा मेथड। तो दोस्तों, अब हम लेंगे दूसरा मेथड जो कि है स्लो प्रोडक्शन, लेकिन इसमें हमारे प्लांट की मास प्रोडक्शन होती है, यानी कि हमारे एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमें किस तरीके से करना है। तो पहले हमने यहाँ पे एक प्लांट ले लिया है और साथ में हमने ट्रे ले लिए कटिंग के, जिसमें हम अपनी कटिंग्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लेड का सहारा लेंगे और हमारे प्लांट के जो जितने पत्ते हैं उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो ये हमने एक शूट कट कर लिया है और यहाँ पे इस तरीके से पूरे पत्ते हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा प्लांट जो है हमने पूरी तरीके से कट कर लिया है और इस तरीके की हमारी डंडियां बची है और हमें इस तरीके के पत्ते लेने हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर नोड हो, जिससे कि हमारे प्लांट में जो है वो कटिंग के
बल्ब बन सके और रूट आ सके। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अब हम ये सारे के सारे पत्ते इस ट्रे में लगा देंगे और हमें इस तरीके से यहाँ पे अपने प्लांट के पत्तों को क्रॉस लगाना है। तो दोस्तों हमारे सारे पत्ते यहाँ पे लगा के हो चुके हैं और हमारा जो ट्रे है वो 102 कैविटी का है। इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि हमने कितने प्लांट्स बनाए हैं। इससे एक प्लांट से हमने 72 प्लांट्स बनाए हैं यहाँ पे, और अभी इसको 2 महीने सिर्फ रूटिंग आने में लगेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट्स है और हमने इसको किसी भी तरह की रूटिंग नहीं चिपकाई हुई है, ये रियल प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रूटिंग आके इसको हल्के से शूट्स चालू हो गए हैं। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से इस प्लांट को शूट चालू हो गए, और हमने यहाँ पे इसका पत्ता जो था जो पहले लगाया था वो हम कट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारे प्लांट को शूट आने में कम से कम 3 महीने का प्रोसेस लगता है, और हमें इसे एकदम ह्यूमिडिटी में रखना है जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छी ह्यूमिडिटी में अच्छा रूटिंग ग्रो कर सके। इसके लिए हमें इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है। तो दोस्तों हमने देखे यहाँ पे 2 मेथड्स। पहला मेथड हमारा था फास्ट प्रोडक्शन, जिसमें हमने 1 प्लांट से 2 से 3 प्लांट लेकिन रेडी टू प्लांट बनाए हमने, और प्रोडक्शन है जिसमें हमने मास प्रोडक्शन बनाई है, आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।